हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम फेस जोन के इस एपिसोड में जानने वाले हैं सीरियस वो तारा है जो सबसे ज्यादा चमकता है और इसके 17 रोचक तथ्य। सीरियस दो तारों का एक समूह है जो कि पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। दो तारों में से बड़े तारे को सीरियस ए और दूसरे को सीरियस बी कहा जाता है। दोनों तारों में से सीरियस का महत्व ज्यादा है क्योंकि यह पृथ्वी के आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है। एक वैसे रात को आसमान में हमें शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, लेकिन वो एक तारा नहीं है बल्कि एक ग्रह है। हमारे सूर्य के बाद सीरियस ही वो तारा है जो हमें सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो सीरियस तारा प्रणाली का जो चित्र दिया गया है उसमें ज्यादा चमकने वाला तारा सीरियस है, जबकि चित्र में बाईं तरफ थोड़ा नीचे सीरियस बी है। तीन सीरियस तारा इतना चमकीला है कि पृथ्वी के कुछ स्थानों से इसे दिन में भी देखा जा सकता है। चार सीरियस तारे का अर्धव्यास हमारे सूर्य के अर्धव्यास से 71% ज्यादा है और वजन में लगभग दोगुना है। सीरियस स्टार ए रेडियस इक्वल्स 12 लाख किलोमीटर, सन रेडियस इक्वल 695,700 किलोमीटर। पांच सीरियस बी तारा एक सफेद बौना व्हाइट ड्वार्फ है, यानी कि यह वो तारा है जिसका सारा ईंधन समाप्त हो चुका है। छह सीरियस बी तारा पृथ्वी से थोड़ा छोटा है, इसका अर्धव्यास लगभग 5,900 किलोमीटर है जबकि हमारी पृथ्वी का 6,371 किलोमीटर। सात भले ही सीरियस बी तारा आकार में हमारी पृथ्वी से थोड़ा छोटा है लेकिन इसका वजन हमारे सूर्य के वजन के बराबर है। आठ सीरियस स्टार बी का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 3,50,000 गुना ज्यादा है, यानी कि पृथ्वी पर किस चीज का वजन 3 ग्राम है, सीरियस बी पर उसका वजन 1,000 किलोग्राम होगा। 9 पृथ्वी का सबसे नजदीकी सफेद बौना तारा सीरियस बी ही है। 10 सीरियस बी अपने बड़े साथी के इर्द गिर्द चारों और अंडाकार कक्षा में एक चक्कर लगाता है। 11 सीरियस तारे की सतह का तापमान लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस है और बी की सतह का तापमान 25,000 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बड़े तारे की सतह का तापमान हमारे सूर्य की सतह से लगभग दोगुना और छोटे का लगभग 5 गुना है। 12 सीरियस स्टार्स को डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसे व्याध तारा कहा जाता है। 13 शब्द सीरियस ग्रीक भाषा के एक ऐसे शब्द आया है जो चमक के लिए प्रयोग होता है। 14 प्राचीन भारत में इस तारे को मृगव्याध के नाम से जाना जाता था जिसका अर्थ होता है हिरण का शिकारी। यह अर्थ भगवा न शिव के रुद्र रूप का प्रतीक है। 15 मिस्र के वासियों को भी 4,000 साल पहले इस तारे की जानकारी थी। 16 एक बात ध्यान रखने लायक है कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं को इस तारे की जानकारी थी वो सीरियस था बी नहीं, क्योंकि बी तारे को आधुनिक खगोलीय दूरबीन बिना देख पाना असंभव है। 17 सीरियस तारा प्रणाली हमारे सौर मंडल के करीब आ रही है जिसके कारण अगले 60,000 सालों में इसकी चमक में वृद्धि होती चली जाएगी, लेकिन इसके बाद यह हमारे सौर मंडल से दूर जाना शुरू हो जाएगा और इसकी चमक फीकी पड़ने लगेगी। इसके बावजूद भी अगले 2,10,000 सालों तक ये पृथ्वी के आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा बना रहेगा। तो आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।